केंद्र सरकार ने पीएफआई को 5 साल के लिए बैन किया। टैरर लिंक के सबूत मिलने के बाद कार्रवाई, देश भर में ताबड़तोड़ एक्शन के बाद गृह मंत्रालय ने लिया फैसला। आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट की बैठक, शाम 4:30 बजे बैठक की शुरुआत होगी, कई बड़े फैसले संभव। राजस्थान में सियासी घमासान के बीच दिल्ली पहुंचे सचिन पायलट, आज सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने अपने आवास पर मंत्रियों और विधायकों से की मुलाकात, सूत्रों के मुताबिक अगले 2 दिन में दिल्ली आ सकते हैं अशोक गहलोत। आईआरसीटीसी घोटाले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की जमानत रद्द करने की मांग वाली सीबीआई की अर्जी पर आज दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। दिल्ली के शराब घोटाले के आरोप में गिरफ्तार विजय नायर की आज कोर्ट में पेशी, इस मामले में सीबीआई ने पहली गिरफ्तारी की है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले को दूसरी अदालत में ट्रांसफर करने के लिए केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। वक्फ बोर्ड में नियुक्ति मामले में गिरफ्तार आप विधायक अमानतुल्ला खान की जमानत पर आज दोपहर 3:30 बजे फैसला आएगा। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने ड्रग्स के गोरख धंधे में लिप्त अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया, 1 करोड़ की चरस के साथ 9 लोग गिरफ्तार। दिल्ली पर मंडरा रहा बाढ़ का खतरा, यमुना खतरे के निशान के पार, हरियाणा में बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद बिगड़े हालात। यमुना का जलस्तर बढ़ने से 200 गांव पर बाढ़ का खतरा, यमुनानगर के हथनी कुंड बैराज से अब तक करीब 1,60,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है। यमुना की बाढ़ से नदी किनारे खेतों में पानी भर चुका है, जिससे किसानों की फसल पानी में डूब गई है। एमपी के सागर में रविंद्र भवन परिसर में पानी भरा, विधायक मेयर समेत कई अधिकारी फंसे, वीडियो हुआ वायरल, सागर में 2 घंटे के करीब 43 किलोमीटर बारिश हुई। एमपी के डिंडोरी में बारिश के बाद पानी की किल्लत, लोग बरसाती नाले में बने गड्ढे का पानी पीने को है मजबूर। राजस्थान के उदयपुर में भी बारिश हुई, मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिन तक राज्य के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद, मोतिहारी में बदमाशों ने एक युवक को मारी गोली, 1.5 लाख रुपए लूटकर फरार हुआ आरोपी। एमपी के कूनो नेशनल पार्क में शिकारियों के चीतों को बचाने के लिए तैनात होंगे जर्मन शेफर्ड, पंचकुला में आईटीबीपी के राष्ट्रीय डॉग्स को ट्रेनिंग दी जा रही। दो दिन तक चलने वाले सपा के अधिवेशन का आगाज हो गया, लखनऊ के रमाबाई मैदान में अखिलेश यादव ने फहराया तिरंगा, सैकड़ों की तादाद में पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सपा के अधिवेशन पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, तंज कहा सपा है सिर्फ एक परिवार की पार्टी। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया लता मंगेशकर चौक का लोकार्पण, पीएम मोदी ने ट्वीट करके किया याद। यूपी में जारी है सुभाषपा की सावधान यात्रा, आज आजमगढ़ में दोपहर करीब 3 बजे होगा सुभाषपा का कार्यकर्ता सम्मेलन, आजमगढ़ बस्ती सिद्धार्थनगर होते हुए संत कबीर नगर पहुंचेगी यात्रा। यूपी में चौथा टाइगर रिजर्व बनाने के प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी, चित्रकूट के रानीपुर सेंचुरी में बनेगा नया टाइगर रिजर्व, 630 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में रानीपुर टाइगर रिजर्व को विकसित करने की तैयारी। आज लखनऊ में सीएम योगी ने बुलाई सभी मंत्रियों की बैठक, आज शाम 5 बजे सीएम आवास पर होगी बैठक, मंडलीय समीक्षा को लेकर हो सकती है चर्चा। वाराणसी के ज्ञानवापी केस में आज अहम सुनवाई, हाईकोर्ट में 2 याचिकाओं पर होगी सुनवाई, दोपहर 2 बजे से जस्टिस प्रकाश पांड्या की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई होगी। ज्ञानवापी केस में हाईकोर्ट में 5 याचिकाएं दाखिल हुई हैं, आज की सुनवाई में एसआई को अपना हलफनामा दाखिल करना है, 5 में से 3 याचिकाओं पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में नया मोड़ आया, मंदिर प्रशासन से लैंड एक्सचेंज को लेकर मुस्लिम पक्ष सवालों में घिरा, लैंड एक्सचेंज डील में बाउंड्री के चारों ओर मंदिर का क्षेत्र दिखाने पर हिंदू पक्ष मुखर हुआ। दरअसल जुलाई में 92.93 वर्ग मीटर जमीन की अदला बदली हुई थी और मुस्लिम पक्ष ने मंदिर प्रशासन को जमीन सौंपी थी। हरिद्वार में आज होगा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का फैसला, सुबह 8 बजे से मतगणना जारी, सुरक्षा के मद्देनजर कड़े इंतजाम, इलाके में धारा 144 लागू। प्रयागराज में इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कार्य परिषद की बैठक, फीस बढ़ोतरी को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के बीच अहम बैठक, बैठक में फीस बढ़ोतरी पर फैसला। बागपत में मरीजों की जगह घर का सामान ढो रही एम्बुलेंस, घर का सामान ढो रही एम्बुलेंस का वीडियो वायरल, मरीजों को एम्बुलेंस नहीं मिलने से लोग परेशान हैं। अमरोहा में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, दुकानों और मकानों के बाहर से हटवाया गया अतिक्रमण, एसडीएम की मौजूदगी में चला बुलडोजर। नैनीताल में नगर पालिका सभागार में बोर्ड की बैठक में सभासदों ने हंगामा किया, अपनी मांगों को मनवाने के बाद ही धरने से हटे सभासद।
मुजफ्फरनगर में पुलिस और गौ हत्यारों के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से दो गौ तस्कर हुए घायल। जंगल में गौ हत्या करने की फिराक में थे तस्कर। गोरखपुर से भाजपा सांसद ने मुंबई के व्यापारी पर दर्ज कराया मुकदमा। सांसद की तहरीर पर गोरखपुर के कैंट थाने में केस दर्ज। वाराणसी के बीएचयू में पढ़ने वाली छात्रा की अचानक मौत। आयुर्वेद विभाग में पढ़ने वाली छात्रा की योग करते वक्त मौत से हड़कंप। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर चलती कार आका गोला बन गई। नोएडा से आगरा जा रहे थे कार सवार, गाड़ी से कूदकर जान बचाई। मुजफ्फरनगर में एक शख्स के पेट से निकली 63 स्टील की चम्मच। ऑपरेशन के वक्त डॉक्टरों ने चम्मचों को निकाला। नशा मुक्ति केंद्र में चम्मच खिलाए जाने का शक, मरीज की हालत गंभीर। मुरादाबाद में खनन विभाग की टीम और एसडीएम से भद्रता का मामला। अब तक 10 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। डीआईजी ने स्पेशल टास्क फोर्स भी तैनात की। अलीगढ़ में एसटीएफ ने पीएफआई के फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन एसटीपीआई के जिला कोऑर्डिनेटर को हिरासत में लिया। एसटीएफ की टीम को कोऑर्डिनेटर निजामुद्दीन से लगातार कर रही है पूछताछ। रायबरेली में एंटी करप्शन टीम ने लेखपाल को घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा। किसान से जमीन नापने के एवज में घूस मांग रहा था लेखपाल। लालगंज तहसील के भोजपुर में आरोपी लेखपाल की थी तैनाती। लेखपाल को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ गुरबख्शगंज थाने में दर्ज की गई एफआईआर। औरिया में दलित छात्र की मौत के बाद हुए बवाल पर एक्शन। पुलिस ने बवाल का सीसीटीवी जारी कर आरोपियों की पहचान की। 35 नामजद 250 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज। कानपुर के कर्नलगंज इलाके में मजार में हो रहे निर्माण का विरोध। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। मौके पर पहुंची पुलिस ने नए निर्माण को तोड़वा दिया। केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कासगंज में सेवा पखवाड़ा के तहत आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन में की शिरकत। सम्मेलन के बाद कहा भाजपा के किसान मोर्चा पर जो आरोप लगे हैं वो निराधार है। मुजफ्फरनगर के कोर्ट में मंगलवार को भाजपा मंत्री और विधायक सहित कई लोग कोर्ट में पेश हुए। सभी ने धारा 144 के उल्लंघन का सेक्शन 188 में सरेंडर कर अपनी बेल अर्जी लगाई थी। कोर्ट ने सबकी अर्जी को मंजूरी कर उन्हें जमानत दी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने रिसेप्शनिस्ट हत्याकांड में शासन प्रशासन पर लगाया आरोप। कहा सफेदपोश नेता को बचाने की हो रही कोशिश। एसडीएम मसूरी के नेतृत्व में अवैध होटल रिसोर्ट होमस्टे में ताबड़तोड़ छापेमारी। के होटल और 3 होमस्टे सील। कई के काटे चालान। आशीर्वाद होटल के 2 फ्लोर हुए थे। मसूरी नगर पालिका पार्किंग के नाम पर बड़ा घोटाला। पार्किंग की जगह नियमों को ताक पर रखकर दिए घर और दुकानें। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने घोटाले को लेकर उच्च अधिकारियों से शिकायत की। देवरिया के पिपरा नाय गांव में कोर्ट के आदेश पर प्रशासन का बुलडोजर चला। 12 मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। ये सभी मकान चक मार्ग पर अतिक्रमण करके बनवाए गए। प्रतापगढ़ में प्राइमरी स्कूल टापू में तब्दील। तालाब का जलस्तर बढ़ने से स्कूल जाने वाला रास्ता पूरी तरीके से जलमग्न हुआ। आजम खान की सुरक्षा वापसी और अब्दुल्ला के लापता होने की खबरों का खंडन। आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा ने कहा आजम खान और अब्दुल्ला आजम फरार नहीं है। तंजीन फातिमा ने अपने पत्र में कहा कि आजम खान फिलहाल दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती है। 22 सितंबर से वो अस्पताल में भर्ती है और अब्दुल्ला उनके साथ है। नोएडा में ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी के बाहर धरने पर बैठे त्यागी समाज के लोग। सोसाइटी में लगाए गए पेड़ों को नहीं उखाड़ने की चेतावनी। योगी सरकार दीपावली के मौके पर प्रदेश के गरीब परिवार को देगी बड़ी सौगात। गरीब परिवारों को मुफ्त में दिया जाएगा एलपीजी सिलेंडर। संकल्प पत्र में किया गया था वादा। डॉन अबू सलेम को मिली 3 साल की सजा। लखनऊ के स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने सजा का ऐलान किया। फर्जी पासपोर्ट मामले में दोषी है अबू सलेम। उन्नाव में भू समाधि लेने वाला युवक गिरफ्तार। पुजारियों ने आस्था के साथ खिलवाड़ कर कमाई के लिए युवक की कराई भू समाधि। पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। गोरखपुर में मॉडल रह चुकी सिमरन गुप्ता बेच रही हैं चाय। मॉडल चाय वाली नाम से शुरू किया बिजनेस। 2018 में मिस गोरखपुर रह चुकी है सिमरन ने। कई विज्ञापनों में भी काम किया है। झांसी में चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में हादसे का शिकार हुआ शख्स। चलती ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसा। प्लेटफॉर्म ड्यूटी में तैनात आरक्षक ने फंसे यात्री को खींचकर गाड़ी में चढ़ाया। हापुड़ के थाना देहात में अवैध रूप से संचालित मसाला फैक्ट्री पर खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारा। 6 मसालों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे। मौके से मिला लकड़ी का बुरादा। जालौन में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर गर्जा। लोक निर्माण विभाग की जगह पर सालों पुराना अवैध निर्माण दहाया गया। अवैध गेस्ट हाउस की आरबी शासन की आंखों में धूल झोंक कर भू माफियाओं ने किया था कब्जा। दिल्ली मेट्रो में तैनात इटावा के सुरक्षाकर्मी को अगवा करके ब्लेड से गला रेत कर हत्या कर दी गई। 3 दिन बाद नाले से बरामद हुआ शव। बदले की नीयत से दोस्तों ने ही अगवा करके की थी हत्या।
मथुरा की हाईवे पुलिस और स्वाट टीम ने एटीएम बदलकर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस स्वाट टीम और सर्विलांस टीम ने चार छात्रों को दबोचा। वृंदावन विकास प्राधिकरण ने बिना स्वीकृति के काटी जा रही कॉलोनियों पर चलाया बुलडोजर। सुनरख रोड पर बने हरे कृष्ण ऑर्चर्ड के आगे बनी दुकानों को किया गया ध्वस्त। ग्रेटर नोएडा पुलिस और एंटी ऑटो थेफ्ट टीम ने दिल्ली एनसीआर में छात्रों को ड्रग्स और देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को फर्जी सिम कार्ड सप्लाई करने वाले गिरोह का खुलासा किया। सहारनपुर के देवबंद में मेडिकल स्टोर संचालक की गोली मारकर हत्या। स्टोर बंद करके घर जाते वक्त हमलावरों ने मारी गोली, अस्पताल पहुंचने पर तोड़ा दम। मेरठ में युवक की सरकटी लाश मिलने से हड़कंप मच गया। हत्या कर गर्दन अपने साथ ले गए हत्यारे, प्रेम प्रसंग का पूरा मामला। सुल्तानपुर दौरे के पहले दिन सांसद मेनका गांधी ने लम्हुआ विधानसभा में चौपाल लगाकर की जनसुनवाई। कई गांव के लोगों की समस्याओं का किया निस्तारण। कानपुर महापौर प्रमिला पांडे ने शहर में पिटबुल और रोटवीलर नस्ल के कुत्ते पर प्रतिबंध लगा दिया। जिसके पास इन दोनों नस्लों का कुत्ता है उसे एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, 5,000 का जुर्माना भी देना होगा। मेरठ में निकाय चुनाव से पहले गरमाने लगा नगर निगम का माहौल। नगर निगम में पार्षद और कर्मचारी आए आमने सामने प्रदर्शन में, बीजेपी के पार्षद नहीं हुए शामिल। बाराबंकी में बच्चे को इलाज न मिलने से मौत हुई। धरती पर भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर के खिलाफ आक्रोश बढ़ा। सिरौली गोसपुर के सरकारी हॉस्पिटल का मामला। बुलंदशहर में एंटी रोमियो स्क्वाड टीम के साथ खुद सड़कों पर एसएसपी श्लोक कुमार ने हालातों का लिया जायजा। बाजार में घूम रहे बच्चों को अभियान के दौरान अधिकारियों ने चॉकलेट और फ्रूटी बांटी। अमेरिका और डेनमार्क की तर्ज पर बुलंदशहर में प्यूरिफाइड सिस्टम से गांव के गंदे पानी को किया जा रहा प्यूरिफिकेशन के बाद तालाब में पहुंच रहा स्वच्छ पानी। रायबरेली में पिता की डांट से नाराज होकर दो सगी बहनें गंगा नदी में कूदकर आत्महत्या करने पुल पर पहुंची। संदिग्ध अवस्था में खड़ी युवतियों को चेकिंग कर रहे पुलिसकर्मियों ने दौड़कर पीटा। रायबरेली में मुख्यमंत्री के निर्देश पर फिर एक्टिव हुआ एंटी रोमियो स्क्वाड अभियान। एडीजी समेत आला अधिकारियों ने महिला पुलिसकर्मियों को दिए शहरों से निपटने के टिप्स। 23% उछाल के साथ 7,04,00,000 रुपए डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए 5,83,00,000 टैक्सपेयर्स ने 31 जुलाई तक आईटीआर भरा है। आरबीआई की आज से मौद्रिक समीक्षा बैठक। रेपो दर में बढ़ोतरी की संभावना। रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की हो सकती है बढ़ोतरी, यानी बढ़ सकती है ईएमआई। आयुष्मान भारत योजना के लिए सरकार ने तय किया बड़ा लक्ष्य। हर रोज 10,00,000 आयुष्मान कार्ड बांटे जाने की योजना। इस योजना के तहत हर लाभार्थी को एक हेल्थ कार्ड मिलता है जिससे कि उसे 5,00,000 रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य इलाज सुविधा मिल सकती है। बोट ब्रांड की मूल कंपनी इमेजिन मार्केटिंग की विदेश में विस्तार की तैयारी जल्द लाने वाली है आईपीओ। कंपनी ने 2,000 करोड़ रुपए का आईपीओ लाने के लिए सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर दाखिल किए। अमेजॉन सेल में दमदार बैटरी बैकअप के साथ टेक्नो पॉप 6 प्रो लॉन्च हुआ। फोन पर 24% की डिस्काउंट के बाद कीमत सिर्फ 6,000। सैमसंग गैलेक्सी M32 फोन पर अमेजॉन सेल में भारी छूट। 16,999 का फोन 9,999 में मिल रहा है। फोन का कैमरा क्वाड। लेनोवा के टैब P11 प्लस टैबलेट अमेजॉन सेल पर 22,499 रुपए में मिल रहा है। ये कॉलिंग टैबलेट है, पावरफुल बैटरी है, एक बार चार्ज होने पर 15 घंटे तक चलती है। सैमसंग गैलेक्सी टैब S6 लाइट पर अमेजॉन दे रहा बंपर डिस्काउंट। इसकी कीमत 23,999 रुपए है, लेकिन डील में 26% डिस्काउंट के बाद इसे 22,999 रुपए में खरीद सकते हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज पहला T20 मैच खेला जाएगा। इस साल दूसरी बार दक्षिण अफ्रीकी टीम भारत दौरे पर आई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।